हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग तो स्टूडेंट्स आपका ग्रामर में लास्ट वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था उसकी आपकी थ्री है तीन हेडिंग कंप्लीट हो गई थी आज हम आगे की हेडिंग कंप्लीट करेंगे तो लास्ट ग्रामर की वीडियोस में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था यूज़ ऑफ वुड हाउ टू अबाउट टू टू हैव टू विल हैव टू शैल हैव टू एंड बिगेन टू हैड टू ठीक है लास्ट वीडियो में मैं आपको यूज टू वुड यूज़ टू बिगेन टू एंड हैड टू ये कम्प्लीट करा चुकी थी और इस वीडियो में हम कम्प्लीट करेंगे हाउ टू अबाउट टू हैज़ टू हैव टू विल हैव टू एंड शैल हैव टू ठीक है और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले लेते हैं हम यूज़ ऑफ़ हाउ टू हाउ टू का यूज़ ठीक है यूज़ ऑफ़ हाउ टू इसका प्रयोग तो जैसे यूज़ ऑफ हाउ टू है तो इसके लिए अलग रूल है वो रूल आपको याद रखना है रूल और फिर उस रूल को अप्लाई करके सेंटेंसेस बनाने हैं ठीक है थीके? तो इसका प्रयोग उन वाक्यों के लिए किया जाता है इसका किसका हाउ टू का ठीक है तो इसका प्रयोग उन वाक्यों के लिए किया जाता है जिसमें किसी कार्य के आने या ना आने जानने या ना जानने का पता चलता है मतलब आने या ना आने का मतलब जैसे कोई वर्क है खाना बनाना है कि मुझे खाना बनाना आता है या मुझे खाना बनाना आ नहीं आता तो किसी भी कार्य को हमें आता है या नहीं आता इस कार्य का पता चलता है तो इसलिए लिखा है आने या ना आने जानने या ना जानने का पता चलता है तो अगर आपके किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट में ये आ रहा है कि आता है या नहीं आता जानना या ना जानना तो वहाँ पर आप यूज़ टू हाउ टू का यूज़ करेंगे अब इसके इस जा एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जैसे मुझे अंग्रेज़ी पढ़नी आती है तो इसमें क्या है आती है इसमें भी एक तरह से बता रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है या फिर ये सेंटेंस ये भी हो सकता था मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है निगेटिव में भी हो सकता है और अफर्मेटिव में भी हो सकता है तो सभी में आपको क्रम क्या लगाना है सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें मुझे मुझे के लिए आई लगा दिया सब्जेक्ट फिर हाउ टू ठीक है हाउ टू तो के बाद वी की फर, फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट सभी में यही क्रम लगेगा जैसे अबाउट टू का क्रम ये लिखा है यूज़ ऑफ़ हैज़ टू का क्रम ये रख लिखा है विल हैव टू का क्रम ये लिखा है तो सबके क्रम याद रखना है तो आप सेंटेंस ईजिली बना पाओगे तो जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है तो सब्जेक्ट सबसे पहले मुझे मुझे के लिए लिखा हमने आई फिर पढ़नी आती है तो नो आने के ना आने के लिए नो आता है तो आई नो फिर उसके बाद हमें सेंटेंस में देख के पता चल गया आती है आ रहा है इसके लास्ट में मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा हाउ टू वाला तो आई नो हाउ टू रीड हिंदी इंग्लिश सॉरी यहाँ पर मैंने हिंदी लिख दिया ये इंग्लिश आएगा आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश नेक्स्ट सेंटेंस है उसे नदी में तैरना आता है तो यहाँ पर भी आपका एग्जाम में सेंटेंस आया कि उसे नदी में तैरना आता है ठीक है तो आपने सेंटेंस जब पढ़ा तो इस सेंटेंस को देख के पता चल रहा है कि इसमें किसी भी कार्य को आने या ना आने की बात हो रही है इसमें बता रहे हैं कि तैरना आता है मुझे तो किसी कार्य को करने की बात हो रही है कि मुझे कार्य आता है तो इसमें भी कौन सा रूप अप्लाई होगा हाउ टू का जैसे उसे नदी में तैरना आता है तो उसे ही नो हाउ टू स्विम इन द रिवर ही उसे के लिए ही लगाया सब्जेक्ट फिर नो हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है स्विम इन द रिवर तो उसे नदी में तैरना आता है ये सेंटेंस क्या बन गया आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर नेक्स्ट सेंटेंस है सीता को खाना पकाना नहीं आता अब यहाँ पे क्या है सेंटेंस निगेटिव में है हमने रूल में पहली पढ़ा है पढ़ लिया है कि किसी कार्य को आने या ना आने जरूरी नहीं है कि काम आए ही निगेटिव में भी हो सकता है जैसे सीता को खाना पकाना नहीं आता है तो लास्ट में क्या आ रहा है ता है प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटर लास्ट में प्रेजेंट इन इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है वाक्य के अंत में क्या आता है ता ही ता है ती है ते है तो लास्ट में क्या आ रहा है इसमें ता है तो सेंटेंस किस में बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के निगेटिव में तो सीता को खाना पकाना नहीं आता है तो सीता डज नॉट क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिया हुआ है सेंटेंस तो डज नॉट जरूर लगाना है ठीक है सीता डज नॉट नो नौ, हाउ टू कुक द फूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सब रूल सेम रहेंगे बिल्कुल बस निगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में है आपको लास्ट में भी ध्यान देना है कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है यहाँ पे था ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेंटेंस था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम डू नॉट यूज़ करते हैं या डज नॉट तो सीता यहाँ पे है तो सीता के लिए क्या यूज़ किया डज नॉट तो सीता डज नॉट नो हाउ टू कुक द फूड नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी बोलना आता है ठीक है तो इसमें भी क्या है अंग्रेजी बोलनी आती है ये भी किसी कार्य है और जिसको कि हाँ मुझे आता है तो ऐसी कंडीशन में भी कौन सा रूल अप्लाई होगा हाउ टू का तो मुझे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश ठीक है आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश ये हो गया आपके हाउ टू का रूल नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ अबाउट टू ये इंपॉर्टेंट है आपका यूज़ ऑफ़ अबाउट टू अबाउट टू के लिए भी अलग रूल है जिन में ना नी ने वाले वाक्य के बाद वाला वाली वाले आता है ना नी ने के बाद अगर सेंटेंस में वाला वाली वाले आता है तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ करते हैं इस अबाउट टू के लिए आपका क्रम दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर ऑब्लिक वॉजवर प्लस अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग आर पी का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट या फिर सेंटेंस का जो शेष वाक्य होता है उसे बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट ठीक है तो अगर आपको सेंटेंस का आपको रूल याद रखना है कि अबाउट टू कब यूज़ कर रहे थे ना नीने वाले के बाद वाला वाली वाले और सबसे अगर आपको ये पूरा क्रम याद है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्रम याद रखना है सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है इज़ एम आर यूज़ करना है या फिर वॉज़ और were यूज़ करना है उसके बाद अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट अब मैं आपको बता देती हूँ कि इज एम आर कब यूज़ करना है वॉज़ वर कब यूज़ करना है ये मैंने नीचे दिख, दिख दिया है देखो अगर लास्ट में है हूँ आ रहा है तो आपको यूज़ करना है इज़ एम आर अगर वाकई के लास्ट में था थी थे आ रहा है तो वॉज वर तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है अगर है हूँ है तो आ यूज़ करेंगे इज एम आर अगर आपका था थी थे आ रहा है तो आप यूज़ करोगे वर ठीक है और पहचान आपको पता ही चल गई है ना नी के बाद वाला वाली वाले इसके एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है वर्षा वो होने वाली है जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखो रूल पूरा लग रहा है ना नी ने आ रहा है इसमें और ने के बाद क्या आ रहा है वाली यही हमने सेंटेंस में पढ़ा ना नी ने के बाद वाला वाली वाले तो उसमें ना नी ने के बाद क्या आ रहा है वाली तो आप इस सेंटेंस को पढ़ के पहचान लोगे कि इसमें क्या यूज़ होगा अबाउट टू का यूज़ होगा उसके बाद वर्षा होने वाली है तो ये हमने सिंपली बना दिया इट इज़ अबाउट टू रेन इट इज़ अबाउट टू रेन ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखो वह यहाँ आने ही वाला था अब लास्ट में सबसे पहले आपको सब पूरे सेंटेंस में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है लास्ट में क्या आ रहा है लास्ट में आ रहा है वाला था ना निने तो ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस में आएगा सबसे पहले आपको लास्ट में ध्यान देना है जैसे इसमें आ रहा है वाला था तो वाला था वाला के लिए क्या यूज़ करते हैं हम याद आ जाएगा आपको अबाउट टू और सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है था तो था थी थे के लिए क्या यूज़ कर रहे थे वॉज वर तो आपको पता चल जाएगा इस सेंटेंस में हमें वॉज और वर का यूज़ करना है जैसे वह अब हम ये पूरा क्रम अप्लाई करेंगे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना था तो वह के लिए वह सब्जेक्ट है, है वह के लिए हमने ही यूज़ कर दिया उसके बाद इज एम आर या वॉज वर में से यूज़ करना था सेंटेंस के लास्ट में था है तो हम क्या यूज़ करेंगे वॉज तो ही वॉज़ उसके बाद अबाउट टू अबाउट टू लिख दिया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें आना तो आने की वर्क फर्स्ट फॉर्म कम लिख दी यहाँ हीयर ठीक है तो ये पूरा हमने क्रम अप्लाई करा तो बन गया हमारा सेंटेंस ही वॉज़ अबाउट टू कम हीयर वह यहाँ आने ही वाला था नेक्स्ट सेंटेंस है माँ खाना पकाने वाली है माँ खाना पकाने वाली है अब आपने लास्ट में देखा वाली है आ रहा है इसमें है आ रहा है तो इज़ एम आर यूज़ करेंगे अगर यहाँ था थी होता अगर सेंटेंस होता माँ खाना पकाने वाली थी तो वॉज वर यूज़ करते तो माँ खाना पकाने वाली है तो सेम रूल अप्लाई करेंगे मदर इज़ है है तो इसलिए इस लगाया मदर इज़ अबाउट टू कुक द फूड वर्क फॉर्म वर की फर्स्ट फॉर्म कुक लगा दी खाना बनाने के लिए तो मदर इज़ अबाउट टू कुक द फूड फिर है वह जाने ही वाला है ठीक है वह जाने ही वाला है तो सबसे पहले लास्ट में देखा वाला है आ रहा है तो अबाउट टू वाला क्रम यूज़ करेंगे अबाउट टू का क्रम क्या था सब्जेक्ट इज एम आर या फिर वर अबाउट टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट तो सब्जेक्ट लगा दिया ही है आ रहा है तो इज अबाउट टू गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट होगा तो रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे तो ये छोटा सा सेंटेंस था वह जाने ही वाला है तो ही इज अबाउट टू गो ठीक है नेक्स्ट आता है रूल आपका यूज ऑफ हैज़ टू या फिर हैव टू ठीक है हैज़ टू have टू तो इसका रूल भी सेम ही है ना नी ने मैंने जैसे बताया था कि ना नी ने ये ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेज में यूज़ होगा मेन वर्ड है जो आपके ना नी ने वाले के बाद यूज़ हो रहा है जैसे इसमें ना नी ने वाले के बाद वाला वाली वाले यूज़ हो रहा था और यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू में ना नी न वाले वाक्यों के बाद पढ़ा पढ़ी पढ़े या फिर है या हूँ आएगा ना नी न वाले के बाद पढ़ा पढ़ी पढ़े या फिर जैसे होता है मुझे वहाँ जाना पड़ा ऐसे तो या फिर है और हूँ आदि तो इसका भी एक क्रम है इसका क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है सेम क्रम है सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट आपको सभी रूल से क्रम याद रखने हैं सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट अब आप सोच रहे होंगे हम हैज टू कब यूज़ करेंगे और हैव टू कब यूज़ करेंगे जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे है हूँ आ रहा था तो हम इज एम आर यूज़ कर रहे थे था थी थे आ रहा था तो हम वॉज वर यूज़ कर रहे थे इसी तरह यहाँ पे क्या है अगर सिंगुलर है लाइक ही शी इट है ठीक है ही शी इट है तो हम यूज़ करेंगे हैज टू अगर प्लूरल है आई वी यू दे आई वी यू दे के लिए हैव टू तो सेंटेंस में आपका अगर ही शीट आ रहा है तो हैज टू आई वी यू दे आ रहा है तो आपका हैव टू यूज़ होगा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मुझे वहाँ जाना पड़ता है देखो आपका दो तरह से सेंटेंस आ सकता है एक अगर लिखा हुआ आया है कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है तो भी आपको हैज़ टू और हैव टू वाला रूल लगाना है क्यों इसके लास्ट में क्या आ रहा है पड़ता है या फिर ये सेंटेंस इस तरह से भी आ सकता है मुझे वहाँ जाना पड़ा तो आप इसको देखते ही पहचान लोगे ना लेने वाले के बाद क्या आ रहा है पढ़ा पढ़ी पढ़े आता है तो हैज टू तो और हैव टू तो का यूज़ करते हैं तो मुझे वहाँ जाना पड़ा अब इस रूल के सिक्वेंस के अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है मुझे आई अब आई क्या है आई के साथ यूज़ क्या करते हैं हैव टू तो आई हैव टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर तो आई हैव टू गो देयर मुझे वहाँ जाना पड़ता है या मुझे वहाँ जाना पड़ा तो आई हैव टू गो देयर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें यह काम करना है तुम्हें यह काम करना है तो यू सबसे पहले तुम्हें लिखा अब लास्ट में देखो करना है आ रहा है और मैंने रूल में पहले ही बता दिया है ज़रूरी नहीं है पढ़ा पढ़ी पढ़े आए हैं हूँ भी आ सकता है जैसे इस वाले सेंटेंस में आया तुम्हें तुम्हें यह काम करना है ठीक है तो तुम्हें के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया यू यू के साथ हैव तो यू हैव टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म डू दिस वर्क तो यू हैव टू डू दिस वर्क तुम्हें यह काम करना है नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे खाना नहीं खाना है ठीक है ये निगेटिव में आ गया मुझे खाना नहीं खाना है तो मुझे के लिए आई आई के साथ हैव टू तो आई हैव टू आई हैव नॉट टू ईट फूड निगेटिव में है तो हैव और नॉट टू के बीच नॉट लगा देंगे आई हैव नॉट टू ईट फूड तुम्हें पत्र लिखना है तुम्हें पत्र लिखना है अभी से हम बनाए तुम्हें के लिए हमने लिख दिया यू यू के साथ हैव टू तो यू हैव टू लिखने के लिए पत्र राइट ए लेटर और लेटर के साथ हमेशा ए यूज़ करते हैं यू हैव टू राइट ए लेटर तुम्हें पत्र लिखना है ये हो गया आपका हैव टू एंड हैव टू कम्प्लीट लास्ट जो है आपका यूज़ ऑफ़ विल हैव टू एंड शेल हैव टू ये बहुत छोटा सा है उसका रूल भी बहुत ईजी है विल हैव टू एंड शेल हैव टू कब यूज़ करते हैं इसमें भी सेम है ना लेने के बाद पढ़ेगा पढ़ेगी या पढ़ेंगे ठीक है यहाँ था पढ़ा पढ़ी पढ़े या है हूँ यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ ध्यान दोगे फ्यूचर में विल हैव टू शैल हैव टू क्या फ्यूचर में है तो उसके लास्ट में हमेशा गा गी गे आएगा ये इसकी पहचान छोटी सी बना के रखो कि विल हैव टू और शैल हैव टू वाले भी की पहचान सबसे पहली क्या है लास्ट में गा गी गे जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा या मैं कल स्कूल जाऊँगी ठीक है तो इसका भी अलग रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू ऑब्लिक शैल हैव टू प्लस वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट सब्जेक्ट विल हैव टू शेल हैव टू वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट वर्क की फर्स्ट फॉर्म सब में यूज होगी जैसे तुम्हें कल वहाँ जाना पड़ेगा अब सबसे पहले आपने लास्ट में देखा पड़ेगा तो फ्यूचर में अगर सेंटेंस है तो विल हैव टू तो, शेल हैव टू तो का यूज़ ही करेंगे तो तुम्हें के लिए हमें लगा दिया यू यू के साथ विल लगता है तो यू विल हैव टू गो देर टमोरो ठीक है यू विल हैव टू गो देर टमोरो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा ये सेंटेंस अगर आपके एग्ज़ाम में आया है तो लास्ट में आपने देखा इसमें दिया हुआ है गा ठीक है या मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा तो मुझे आई आई के साथ यूज़ करते हैं शेल ठीक है आई और वी दो के साथ यूज़ करते हैं हम शेल तो आई शेल हैव टू तो गो स्कूल टू ठीक है तो ये आपका छोटा सा था इसमें लास्ट में गा की गया आएगा तो विल हैव टू तो, एंड शैल हैव टू तो का यूज़ करेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया यूज़ ऑफ हाउ टू अबाउट टू हैज़ टू हैव टू एंड विल हैव टू एंड शैल हैव टू ठीक है हाउ टू का रूल क्या है जैसे सब्जेक्ट हाउ टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट अगर किसी कार्य को करने आने ना आने जानने के लिए बात हो रही है तो वहाँ हाउ टू नेक्स्ट आपका अबाउट टू अबाउट टू क्या है ना नी ने वाले वाक्य के बाद आपका वाला वाली वाले आए तो उसके लिए हम अबाउट टू का रूल अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट इज एम आर वॉजवर ठीक है अबाउट टू वर्व की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट इज एम आर का अब यूज़ करेंगे जब है या हूँ से सेंटेंस एंड हो रहा होगा था थी थे हो रहा है तो वॉज़ वर् नेक्स्ट था हैज टू एंड हैव टू ना नी वाले के बाद पढ़ा पढ़ी पढ़े या फिर है हूँ आ रहा है तो आपका यूज़ ऑफ़ हैज टू सब्जेक्ट हैज टू या फिर हैव टू यूज़ करेंगे वर्फ की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट ओके नेक्स्ट है विल हैव टू शेयर हैव टू लास्ट में क्या आएगा पड़ेगा पड़ेगी फ्यूचर में सेंटेंस होगा तो आपका सब्जेक्ट विल हैव टू शैल हैव टू वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और अगर आपका ये सेंटेंस कोई भी एग्जाम में आता है और निगेटिव में आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ नॉट लगा देना है ठीक है और सबसे पहले इसमें क्या है सेंटेंस के लास्ट में ध्यान देना है जिसके जो पहचान होगी वो मेन लास्ट में देखने से ही होगी कि सेंटेंस के लास्ट में क्या दुआ हुआ है तो जो ये आपका टॉपिक था यूज़ ऑफ यूज़ टू हाउ टू अबाउट टू हैज टू हैव टू विल हैव टू शल हैव टू बिगेन टू हैड टू ये कम्प्लीट हो गया अगर आप बिगेन टू पढ़ना चाहते हो हैड टू का रूल पढ़ना चाहते हो और यूज़ टू वुड का पढ़ना चाह रहे हो चाहते हो तो इससे पहले जो मैंने ग्रामा की पीड़ि डाली थी वो इन तीनों पर ही है तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी ओके और ये एक चीज़ और कि ये सेंटेंस आपके टू टाइप से आ सकता है देखो या तो वो आपको सेंटेंस दे दे कि वह जाने ही वाला था इसके आगे एक लिख दे लिख दे ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश ठीक है तो आपको वह जाने ही वाला है तो वाला है को देख के आपने अबाउट टू वाला रूल लगा के सेंटेंस बना दिया ही इज अबाउट टू गो ये इस तरह से आ सकता है नहीं तो अगर एक नंबर में इस तरह से आ गया कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या फिर दूसरे तरह से किस तरह से आ सकता है कि उसने एग्जाम्पल मतलब इस सेंटेंस को खुद से बना के दिया है लेकिन उसने हा जैसे ही इज़ हाउ टू गो ठीक है अब आपको ये सेंटेंस दे दिया है ही इज़ हाउ टू गो ठीक और आपको ब्रैकेट में लिख के दे दिया उसने करेक्शन करेक्शन का मतलब होता है कि जो सेंटेंस में गलती है या फिर छोटे से छोटी गलती इज एम आर तक की गलती कर देते हैं हाउ टू की गलती कर देंगे मोस्टली क्या है इज एम आर या वर की मिस्टेक देंगे आपको या फिर मेन जो है हाउ टू की तो जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा कि वह जाने ही वाला था ही इज़ हाउ टू गो ठीक है तो आपको अगर रूल याद होगा कि हाँ तो वाला और वालिया वाला रूल आ रहा है तो इसमें हाउ टू नहीं अबाउट टू यूज़ होगा तो आप इस हबाउट हाउ टू को काट के वहाँ पर अबाउट टू लिख देंगे तो आपको एक नंबर पूरा मिल जाएगा तो ये टू टाइप से आ सकता है एक तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए या फिर आपका करेक्शन तो ये हो गया अब आपका टॉपिक कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आप sure वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू